आज हम क्लास एट्थ के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर थ्री पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सिस वाटर नेचुरल मीन्स क्या होता है प्राकृतिक रिसोर्स मीन्स संसाधन वाटर मीन्स पानी इस चैप्टर में वाटर के बारे में बताया गया है वाटर हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है वाटर के बिना हम जीवित रहना मुश्किल हो सकता है वाटर के लिए हम हर चीज़ में हम वाटर का यूज करते हैं ड्रिंकिंग में करते हैं कुकिंग में वॉशिंग में क्लीनिंग में हर जगह हम वाटर का यूज करते हैं आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रिसिटी में वाटर का यूज होता होता है हर जगह वाटर का यूज़ होता है यदि वाटर नहीं होएगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे जीवित नहीं रह पाएंगे तो फिर इस फिर क्या करेंगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसलिए वाटर का होना बहुत जरूरी है आज आप हम चैप्टर पढ़ेंगे कैन यू थिंक ऑफ सम टाइम सम थिंग विदाउट विच यू वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे पास वाटर नहीं होगा तो हम कैसे जीवित रहेंगे कैन वी इमेजन अवर लाइफ विदाउट वाटर क्या हम इमेजन कर सकते हैं विदाउट वाटर के लाइफ आवर अर्थ वुड बी क्रीज टू बी द लिविंग प्लानट इन द दबसेंस ऑफ ए स्पेशल रिसोर्स क्रीज मीन्स क्या होता है संघर्ष जो कोई हम हमारी जो पृथ्वी है उसमें संघर्ष के लिए एक लिविंग प्लानट है उसके एबसेंस में भी ये स्पेशल रिसोर्स है एक स्पेशल संसाधन है वाटर इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट एनिमल एंड हुमेंस फॉर सर्वाइवल वाटर का रिक्वायर किसको होता है पौधों को भी होता है पशुओं को भी होता है मानव को भी होता है जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं वी नीड वो वाटर फॉर ड्रिंकिंग कुकिंग वॉशिंग एंड क्लीनिंग हमें वाटर की जरूरत ड्रिंकिंग पीने के लिए होती है कुकिंग खाना बनाने के लिए होती है वॉशिंग और कपड़े धोने के लिए होती है क्लीनिंग साफ सफाई के लिए होती है वी रिक्वायर एडवोकेट एडवोकेट सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम ग्रोविंग क्रॉप और क्रॉप को क्रोप में भी वाटर का यूज़ होता है जदि जद्दी क्रॉप कैसे उगती है जब वाटर होएगा तभी उगेगी जब वाटर की सप्लाई होएगी उनके क्रॉप्स में तो वो हमारी और भी फसलें ज़्यादा उगेंगी इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री ऑफ वेरियस पर्पज और इंडस्ट्रीज़ में भी ज्यादा ज्यादा कोई ना कोई उद्देश्य होता है वाटर का यूज करने के लिए द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दिस इज़ द वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर द फैक्ट्रीज ऑफिस एंड होम्स सबसे बड़ा मेन सोर्स क्या होता है वाटर का एनर्जी ऊर्जा प्रदान करना होता है फैक्ट्रीज में ऑफिस में एंड होम्स में ठीक है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज साफ फ्रेश वाटर संसाधन अवर अर्थ यूनिकनेस लाइज इन द फैक्ट दैट इट हैज वाटर एंड हेंस इज द इन है अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लान वाटरली प्लानट बिकॉज सेवेंटी वन परसेंट ऑफ इज सरफेस इज कवर्ड विद वाटर जो अर्थ है ना उसके में एक वाटर प्लानट है उसमें इकहत्तर प्रतिशत सरफेस है ना वो वाटर से अर्थ के ऊपर कवर्ड है वाटर का ठीक है कवर्ड विद वाटर वाटर के साथ सेवेंटी वन परसेंट Cover है बट आउट ऑफ दी ओशियंस में तीन है कहां पे? में, एंड बेज में दीज कंटेन स्लाइन वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीग्रेशन स्लाइन वाटर कौन सा होता है खारा पानी कौन सा खारा पानी क्या होता है अनफिट होता है ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग जो पानी पियेंगे तो हम खारा पानी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं द रेस्ट ऑफ टू पॉइंट सेवन परसेंट इज द फॉर्म ऑफ ए फ्रेश वाटर दो पॉइंट सात सात की फॉर्म में क्या है फ्रेश वाटर है बट अगेन सेवेंटी परसेंट ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज ए फाउंड इन ए आई शीट एंड गलेक्सीज और सत्तर प्रतिशत फ्रेश वाटर का फ्रेश वाटर का पाए जाते हैं आइस शीट में बर्फ़ के पानी से एंड ग्लेशियर से पाए जाते हैं दस ओनली वन परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू अस्ट फॉर ए डायरेक्ट कंजप्शन एंड यूज और एक प्रतिशत फ्रेश वाटर किससे अवेलेबल होता है हम कंजप्शन करेंगे उसको यूज़ करेंगे द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स टीम लेक्स पोन्स एंड द ग्राउंड वाटर द मेन सोर्स कौन सा होता है फ्रेश वाटर का नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, तालाब होती हैं, जो ग्राउंड वाटर में होती हैं। द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ ग्रेसरीज सप्लाई कहाँ होती है फ्रेश वाटर की रेनफॉल बारिश के पाने में और जो ग्लेशियो का पिघलने से इट कोलेक्ट इन दाटर बॉडी ऑफ शीप्स थ्रो द सोयल एंड कोलेक्ट एज ग्राउंड वाटर और हम मिट्टी से कलेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर में पानी वाटर बॉडीज होते हैं इनके पानी को डिड यू नो आप सब जानते हैं वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ए मार्च 22 टू विद स्पेशल थीम्स कि वर्ल्ड संसार का पानी संसाधन डे रिसोर्स डे वाटर रिसोर्स डे कब एवरी हर साल हम 22 मार्च को मनाते हैं एनुअल कंजप्शन ऑफ वाटर मतलब कि साल का कंजप्शन ऑफ वाटर कौन सी सिक्स कंट्रीज़ में होता है जैसे चाइना में कितना होता है थ्री सिक्सटी टू ब्राज़ील में होता है नाइन्टी फाइव यू में टू हंड्रेड सिक्सटीन रशिया में सेवेंटी वन और इंडिया में थर्टी यू हैव लर्न दैट वाटर इज फ्लो रिसोर्स विच इज रेन्यूएबल इन इनहेगजुटेबल्स कि वाटर किसकी फ्लो में संसाधन होता है संसाधन, संसाधन वाटर की किसकी फ्लो नवीकरण की फॉर्म में बताया गया इसको नवीकरण जैसे फ्लो करेगा वाटर संसाधन में इट इज बिकॉज वाटर इज ए रिन्यूड रिसाइकल एंड रिचार्ज थ्रो द हाइड्रो कैरिकल साइकिल और वाटर साइकिल क्योंकि वाटर को हम रिन्यू कर सकते हैं एक बार यूज करके दोबारा फिर यूज करते हैं रिसाइकल कर सकते हैं रिचार्ज करते हैं उसको क्या कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक साइकिल और वाटर साइकिल पर द चेंज ऑफ वाटर फॉर्म लिक्विड फॉर्म टू गैसेस फॉर्म And then again to solid, solid or the liquid form is known as a hydro. जिकल साइकिल जो कोई वाटर को चेंज करना होता है ना लिक्विड फॉर्म को हम कौन से फॉर्म में चेंज करेंगे गैसियस फॉर्म में चेंज करेंगे फिर दोबारा हम सॉलिड को किस में करेंगे लिक्विड में तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो जाएगी दिस फैनोमैन मेक्स टे मेक्स वाटर इज ए रेन्यूएबल रिसोर्स होते हैं बट इज दिस प्रोसेस द फॉर्म ऑफ वाटर मे चेंज एंड द रैशो बिटवीन द यूजेबल फ्रेश वाटर एंड नॉन यूजेबल स्लाइन वाटर में भी अलर्टेड मतलब कि, कि प्रोसेस होती है जो वाटर होता है ना उसको चेंज करते हैं रैशो में वो तो हमारा क्या होगा जो यूजेबल फ्रेश वाटर होगा जो नॉन यूजेबल जो हमको जिसका हम यूज़ नहीं करते किसको यूज़ नहीं करते स्लाइन वाटर को जो खाना पानी होता है उसके लिए हम लोगों को अलर्टेड करते हैं आल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वाटर मे बी अफेक्टेड दिस मे बी रिजल्ट इज ए फ्लड इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फ्लड से भी हमारा संसार में कई सारे ऐसे रिजल्ट निकलते हैं वाइल सम अदर एरिया दिस ज ए कॉन्शियस अबाउट द इम्पोर्टेंस कंजर्विंग द वाटर रिसोर्सिस मतलब कि हमारे जीवन में वाटर रिसोर्सिस का क्या महत्व है इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर कैन नाइदर बी एडिड नोर सब्स एडिड नोर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ वाटर कुछ ऐस कुछ ऐसा वाटर होता है हम कुछ ना कुछ उस चीज में एड करते हैं कुछ ऐसा अर्थ में अर्थ होता है अर्थ से जो वाटर होता है उसमें कुछ ना कुछ हम स्प्रैक्ट कर सकते हैं इस टोटल वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है इसकी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगी इट इज़ अ कॉन्स्टेंट मोशन मोशन साइकिलिंग थ्रो हाइड्रोस्फेयर एंड द एटमोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर थ्रो द प्रोसेस ऑफ ए इप्रेशन प्रिस्प्रिक्शन एंड द रन ऑफ जो भी कोई कॉन्स्टेंट मोशन होगा वो साइकिल के रूप में जलमंडल वायुमंडल और स्थलमंडल की प्रोसेस से उसको भाग तेजी से तेजी देगा जिसकी तरह से हमारा वाटर का हम यूज़ कर पाएंगे थैंक यू आपने जितना लेसन पढ़ा है ना उतने के डिफ, वो डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ़ कॉपी में नोट करेंगे ओके थैंक यू